बॉक्स पैकिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको मिलता है। यहाँ पर लिखा गया सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स फोन का डिज़ाइन देखा गया है। फ्रंट के अंदर लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, राइट साइड में यहाँ पर आपको जो है स्टिकर दिया गया है, पैकिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, बॉक्स कंटेंट क्या है, प्राइस वगैरह लिखी गई है। नीचे की तरफ IMEI नंबर वगैरह लिखे गए हैं, ऊपर की तरफ लिखा गया है कि इंडियन सिम कार्ड ओनली, और पीछे की तरफ यहाँ पर जो की हाइलाइट्स हैं वो लिखे गए हैं। बोला गया है कि सैमसंग J7 मैक्स सैमसंग पे मिनी के साथ में आएगा, जिसमें आप वॉलेट और UPI इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 13+13 का कैमरा है, सोशल कैमरा है, 4GB की रैम है, 64-bit का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, MT6757V यानी कि हीलियो का P20, 5.7 इंच की फुल HD स्क्रीन है जो कि TFT पैनल वाली है, 32GB की मेमोरी है, 3300mAh की बैटरी और स्मार्ट ग्लो फीचर के साथ में मिलता है। फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको जो है वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं चार्जर। चार्जर की जो रेटिंग है वो दी गई है 5 वोल्ट और 1.55 एम्पीयर पे, 1.5 एम्पीयर का चार्जर है। उसके बाद में सिम इजेक्टर पिन है, ईयरफोन्स दिए गए हैं जो कि कुछ इस तरह के हैं, इन द ईयर वाले नहीं हैं, और यहाँ पर आपको जो है वो एक बटन मिलता है, यहाँ पर माइक्रोफोन है, इस तरह से मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है फ़ोन को चार्ज करने के लिए, डेटा सिंकिंग के लिए, क्विक स्टार्ट गाइड्स वगैरह दी गई हैं, यूज़र मैनुअल है इसके अंदर, और ये जो है मेन फ़ोन है, और ये वाला जो है वो ब्लैक कलर के अंदर है। हमने आपको इसके जो है हैंड्स ऑन में या इन्फॉर्मेशनल वीडियो में जो गोल्ड कलर का पहले ही दिखा दिया था। तो फ़ोन की जो लुकिंग है वो कुछ इस तरह से मिलती है, और हाथ में काफ़ी जो है प्रीमियम फील करता है। मैट ब्लैक है, आप देखते हैं यहाँ पर ब्लैक और ब्लू जो है वो मिक्स है। ऊपर का जो है ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा ब्लैक है, और जो नीचे का हिस्सा ये ब्लैक है, और जो बीच का है उसमें ब्लू मिक्स यहाँ पर करके दिया गया है। पीछे की तरफ आपको जो है वो 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, LED फ्लैश दी गई है सिंगल में, सैमसंग की ब्रांडिंग लिखी गई है, और नीचे यहाँ पर और भी चीज़ें दिखी गई हैं कि मैनुफैक्चर इन इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया यहाँ पर जो है वो बताया गया है। सामने की तरफ बात करें तो सामने भी आपको जो है 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, इनकॉल स्पीकर है, लाइट सेंसर वगैरह है, फ्रंट LED फ्लैश है, स्टार्ट कर लिया हमने यहाँ पर लिखा रहा है सैमसंग J7 मैक्स। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो होम बटन दिया गया है, और इसमें जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। लेफ्ट हैंड में बात करें तो यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम लॉकर्स दिए गए हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जो है वो सिम स्लॉट्स हैं, अभी खोल के आपको दिखाते हैं। सिम स्लॉट्स जो है वो कुछ इस तरह से हैं, ऊपर वाला जो स्लॉट है उसमें आप जो है वो सिम 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको नैनो सिम लगानी है, और जो नीचे वाला उसमें भी आप जो है वो नैनो सिम लगा सकते हैं, और जो है वो माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है 2 SIM+SD कार्ड, जिनको भी ऑप्शन चाहिए उनके लिए मिल जाता है। फोन यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिम कार्ड के लिए बोल रहा है, नेटवर्क वगैरह, तो पूरा सेटअप कर लेता हूँ मैं इसको एक बार। फ़ोन को मैंने पूरा यहाँ पर जो सेटअप कर लिया है और कुछ तो यूज़ भी किया, तो आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या कुछ मिलता है। सैमसंग का यहाँ पर आपको जो है वो यूज़र इंटरफेस मिलता है, लेफ्ट साइड में जो है ब्रीफिंग मिलती है, मेन यहाँ पर बीच में जो है वो होम स्क्रीन है, और नीचे से ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर सिस्टम ट्रे मिल जाएगी। नोगेट दिया गया है इसके अंदर, और यहाँ पर आपको जो है वो सैमसंग की एप्लीकेशन दी गई है बाय डिफॉल्ट जो आप यूज़ करना चाहते हैं, उसके बाद में गूगल की एप्लीकेशन है, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन मिल जाती हैं, प्ले स्टोर है, फेसबुक है, और सबसे जो एडवांस फीचर है यहाँ पर सैमसंग पे मिनी, जो कि आपको सिर्फ फ्लैगशिप में देखने को मिलता था लेकिन यहाँ पर दिया जा रहा है। FM रेडियो मिल जाता है, ओपेरा मैक्स दिया गया है डेटा सेविंग के लिए, USB बैकअप भी दिया गया है, एस सिक्योर है, स्मार्ट ग्लो का फीचर भी आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर एक सिक्योर फोल्डर भी दिया गया है। सिक्योर फोल्डर अगर आप जानना चाहते हैं तो उसे आपको अलग से एक वीडियो में बता देंगे। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी सेटिंग में। सेम तरह का आपको इंटरफेस मिलता है जिस तरह से आपके फ्लैगशिप फोन में दिखाया जाता है। अबाउट फोन में आपको दिखाया था, यहाँ पर लिखा गया सैमसंग J7 मैक्स, जो मॉडल नंबर है वो G615F यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी बैटरी की, स्टोरेज की, मेमोरी की, तो बैटरी बताया हमने आपको 3300mAh की दी गई है। स्टोरेज की बात करें तो 32GB में से आपको यहाँ पर 23.7GB अवेलेबल जाती है, 8.3 जो सिस्टम में यूज़ है, और जो 9.5 है वो अननेसेसरी यहाँ पर दिखा रहा है, तो क्लीन कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब मेमोरी की बात कर लेते हैं, मेमोरी की बात करें तो यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कितने अवेलेबल है। 1.9GB का स्पेस इसमें जो रैम अवेलेबल है, और 1.8 जो सिस्टम ने अपनी यूज़ कर रखा है। क्या कुछ यहाँ पर है वो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड भी है यहाँ पर, आप चाहें तो उसको जो अनेबल कर सकते हैं, और उसके बाद आप मेजर कर सकते हैं कितना आपने जो डेटा यहाँ पे सेव किया है। कैमरा की बात करें तो वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, 13 मेगापिक्सल कैमरा है, 13 सामने और 13 जो पीछे की तरफ, और काफ़ी बढ़िया जो है इसमें इमेज क्वालिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेफ्ट से राइट में अगर आप स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ मोड्स मिल जाते हैं, ऑटो मोड, प्रो, पैनोरमा, कंटिन्यू शॉट, HDR, नाइट, मिरर, सेल्फी, एंटी फॉग, स्पोर्ट्स, स्पॉट एंड शॉट और सोशल। तो सोशल कैमरा यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी हाईलाइट है यहाँ पर, जैसे ही आप अपनी सारी सोशल एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर जाएंगे और उसको जो है ऐड कर देंगे तो इंस्टेंटली यहाँ पर जो है शेयर कर देगा। एडिटिंग के लिए आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे फिल्टर्स दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर एसेट में हमने पहले दिखाए थे, तो जो भी आप चाहें यूज़ करना इंस्टेंटली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ सैंपल की अगर आपको बात करें तो भी अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है, टच एंड होल्ड कीजिए और आप जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ सैम्पल पिक्चर की बात कर लें, रियर कैमरा से लिए गए पिक्चर हैं, आप देखते हैं बहुत ही माइक्रो शॉट लिए हैं, क्लोजअप शॉट लिए गए हैं, पानी की बूंदें आपको जो है इस पे बोतल पे दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आपको जूम करके दिखाऊं कैनन के ऊपर तो आसपास में डिटेलिंग आपको दिख रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे नाइफ के ऊपर तो पिक्चर काफ़ी शार्प है,
क्लियर है, डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर 2002 भी जो आपको दिख रहा है, इसमें आप बात करेंगे तो ये पास से लिया गया है, डिटेलिंग टेक्स्ट वगैरह क्लियर मिलता है। ये वाला जो शॉट है ये भी लिया गया है यहाँ पर, इसके बाय डिफॉल्ट मोड के अंदर बोके इफेक्ट बहुत ही बढ़िया बन रहा है। इस पर भी आप देख सकते हैं रिमोट के ऊपर भी। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैमरा की डिटेलिंग में आपको बहुत ही जो टेक्स्चर है बहुत ही पास है, आपको जूम करके दिखाया, देख सकते हैं आप क्वालिटी यहाँ पर अच्छी मिल। दूसरे फीचर की बात करें तो सैमसंग पे मिनी है यहाँ पर, और सैमसंग पे मिनी का एक यहाँ पर जो है अपडेट आया हुआ है, उसको आप यहाँ पर जो सेटअप कर सकते हैं बड़ी आसानी से और यूज़ भी कर सकते हैं। हमने इसको दिखाया भी था आपको गैलेक्सी S8 के अंदर सैमसंग पे, लेकिन यहाँ पर आपको सैमसंग पे मिनी दिया गया है। मिनी जो है वो आपके वॉलेट और UPI के लिए है मेनली यहाँ पर, तो आप कार्ड वगैरह नहीं ऐड कर सकते, लेकिन वॉलेट जो मेनली चलता है पेटीएम है UPI है, उन दोनों को यहाँ पर बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी आपको एक छोटा सा डेमो दिखाएंगे आने वाले समय के अंदर, अभी के लिए मुझे लगता है कि बस इतना ही। और जो डिज़ाइन है वो आप देखेंगे काफ़ी जो है प्रीमियम है, सैमसंग का डिज़ाइन है और सैमसंग जो है वो काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आपको देता है। एक नए तरह से आपको यहाँ पर जो दिया गया है बॉर्डर इस तरह से, नीचे की तरफ भी आप देखेंगे यहाँ पर तो ठीक है। और जो स्पीकर है वो यहाँ पर आपको जो है वो राइट साइड में ऊपर की तरफ स्पीकर मिलता है यहाँ पे। ये वाला जो स्पीकर है A5 और A7 के अंदर आपने देखा होगा, स्पीकर को जो है वो राइट साइड में यहाँ पर ऊपर की तरफ कर दिया गया है। नीचे की तरफ आपको जो चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, माइक्रोफोन दिया गया और 3 टाइम जैक मिल जाता है। तो बस आप बताइएगा मुझे और आपके क्या सवाल हैं इस फोन के लिए, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्द जल्द जवाब देने की। इस वीडियो में इतना ही।